गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुशील दुबे आपके अपने क्रिस्टल क्लासेस ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को नॉमिनेटिंग रिएक्शन में दो रिएक्शन और बताएंगे, जिसको आप आज संडे है तो इसके लिए आप इसे घर पर प्रैक्टिस विधिवत करके याद कर लीजिए, इसको हम समझा भी देंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको तब तक ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए बताते हैं सब क्या है। पहले हम देखते हैं कहने जा रो रिएक्शन। कहने जा रो रिएक्शन एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के क्रिया एनए ओ एच या के ओ एस से कराने पर एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते वही करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट पाए जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट कहने जा रहा हूं। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो अगर हम इसका मान लिया, हम एस्टरलिहाइड हमने लिया, फॉर्मेल्डिहाइड एच सी एच ओ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सोडियम एन ए ओ एच या के ओ एच के साथ हम क्रिया कराएंगे, तो हम एन ए ओ एच के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH इक्वल टू एल्कोहल बनता है और सोडियम साल्ट बनता है। इसमें सोडियम है तो सोडियम साल्ट बनने का CH3HCOONa, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट। और इसमें अगर हम के ओ एस से कराते हैं, देखते हैं के ओ एच में क्या होता है। HCHO, यहाँ दो के ओ एच है, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ दो लगा दिए के ओ एच, सब वही बनेगा। यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम सॉल्ट बनेगा CH3OH प्लस, बोलेंगे प्लस HCOO क्या OOK पोटेशियम फॉर्मेट और मेट। यहां रिएक्शन बैलेंस करना है तो हम उसको अभी दिखा देंगे दो से। तो आपने जान गया कि आप लोग जान गए कहने जा रहे रिएक्शन में, जैसे आप लोग रिवीजन कर लेते हैं। अगला बताते हैं, अगला हम क्या बताएंगे, कार्बलामीन रिएक्शन, कार्बलामीन रिएक्शन। तो हम इसे देखेंगे कार्बलामीन रिएक्शन को, याद करेंगे हमारे साथ बोलेंगे। कहने जा रहे रिएक्शन में अगर हम एल्डिहाइड की क्रिया, कौन सी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, अगर हम क्रिया कराएंगे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो मेथिल एल्कोहल और उसके सॉल्ट प्राप्त होंगे, जैसे सोडियम फार्मेट और क्या पाए जाएंगे पोटेशियम फार्मेट। अब हम देखते हैं कार्बलामीन, बहुत क्वेश्चन आता है कार्बलामीन रिएक्शन, कई कंपटीशन में भी आ चुका है, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है, तीनों में से एक रिएक्शन आया है पॉलिटेक्निक में। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कौन सा आया है, ठीक है। कार्बलामीन रिएक्शन, कार्बलामीन रिएक्शन में हम C2, अब यही आप लोग बताएंगे चेक करके, इसको हम नहीं बता रहे हैं। कल हम रिएक्शन आप लोग बताएंगे कौन सा एग्जाम में आया है। इसकी क्रिया हम क्लोरोफार्म से कराते हैं, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो आप लोग देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया KOH, तो यहाँ बहुत आता है दुर्गंध युक्त पदार्थ कौन सा बनता है, या सोडियम आइसोसाइनाइड कहाँ बनता है, या फेनिल साइनाइड कहाँ बनता है, तो हम इसको देखेंगे। मेथिल साइनाइड किस अपक्रिया में बनता है, और दुर्गंध युक्त मेथिल साइनाइड
ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं। यहाँ बनेगा कि व्यस्त क्रिया कराया, व्यस्त रिएक्शन कराया तो यहाँ बना C6H5 CN। नो नो नो, आइसोसाइनाइड है, CN नहीं बनेगा, है NC। और रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ बना रहे हैं पोटेशियम KCl, KCl का साथ KCl बना लिया, और 3 Cl है तो यहाँ हमने 3 लगाया, तो ऐसे भी रिएक्शन करना है। 3 3 3 OH प्लस अभी क्या रिएक्शन करना है, अब हम लिख देंगे 3H2O, ये बन गया आइसोसाइनेट, दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त। अब हम देखेंगे मिथिल साइनाइड, अब हम बनाएंगे मिथिल आइसोसाइनाइड। तो कैसे बना सकते हैं, CH3NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफार प्लस KOH, यहां पर बनेगा मिथिल आइसोसाइनेट प्लस KCl बनाना है, रिएक्शन तो बैलेंस कराना हमने बता ही दिया, KCl प्लस H2O, हमें रिएक्शन बैलेंस करना है। रिएक्शन खैर बैलेंस करने को आपको कंपटीशन में पूछेगा नहीं, केवल यही पूछेगा कि क्या बनता है, कौन से क्रिया कहलाती है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कंपटीशन में। अब हम और एक क्रिया इसी में देख लेते हैं, अब हम मानो हमने लिया C2 5 NH2 ले लिया, CH Cl3 प्लस KOH, तो यहां बनेगा एथिल आइसोसाइनेट HCN, NC है भाई, HCN NC, मेथाइल आइसोसाइनेट। यहां पर हमें रिएक्शन बैलेंस करना है, KCl प्लस H2O, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, रिएक्शन कई बार पूछे गए हैं, नॉमिनेटिंग रिएक्शन, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अपने परिवार के साथ रहिए, कोविड से सुरक्षित रहिए, जैसे कि आदित्य सर ने बताया है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग लाइव आ सकें। धन्यवाद।